क्या कुछ कहेंगे, ऐसे नशों को बढ़ावा मिलेगा, हमारा प्रदेश उनके साथ लगता है, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये टोटल फेलियर वाली सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों को, अब ये कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। ये राहुल गांधी जी की जो मॉडल है प्रशासन का, वो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम शासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे और उससे हम तर करेंगे। हरियाणा में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सब नहीं, सारे इलाके में ही फर्क पड़ना है। सारे है कि कांग्रेस ने खिलाड़ी पैदा किए थे, जबकि बीजेपी उन्हीं खिलाड़ी को नशेड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, नशेड़ी पैदा कर रही है हरियाणा में। हुड्डा साहब बिना सिर पैर के सारा दिन बात करते हैं, इनकी हालत यह है कि जिन खिलाड़ियों के इनाम आए थे ये बिना दिए सरकार से चले गए, उनके इनाम हमने दिए थे। हमने गोल्ड मेडल लाने का 6 करोड़ रुपए रखा, हम पहली सरकार थे जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर बैठाकर सुनकर हमने खेल नीति बनाई। हमारी खेल नीति आज सारे देश में उसकी सराहना की जाती है और लोग उस पर अमल करना चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना है देश के हर कोने में सुनाई दे प्यार की आवाज, यही हमारा मकसद है, जबकि बीजेपी उसको नफरत के अंदर बदलने की कोशिश करती। हाँ, प्यार भी कई किस्म का होता है। कांग्रेस के प्यार की आवाज, कांग्रेस के प्यार की गूंज आज तक गली गली में सुनाई देती। एक प्यार इन्होंने 1947 में किया था, हिंदू और धर्म, हिंदू और मुसलमानों का धर्म के हिसाब से बंटवारा करा के 10 लाख लोग मारे थे। एक प्यार इन्होंने 1984 में किया था, सिख दंगे करवा के, और इस प्रकार के प्यार को अब ये और फैलाना चाहते हैं जातिगत जनगणना करवा के, ताकि लोग अड़ोस पड़ोस घर मोहल्ले वाले एक गांव से दूसरे गांव लड़ता रहे, ये है इनका प्यार। मतलब सीबीआई की चार्जशीट आई है फाइनल, जिसके अंदर उसमें कहा गया कि शुरुआती से ही शराब घोटाले में केजरीवाल शामिल थे। तो सीबीआई इसीलिए ही कार्रवाई कर रही है, सीबीआई के पास पुख्ता दस्तावेज हैं और इसीलिए केजरीवाल जी अभी तक अंदर हैं। और ये है आप पार्टी की असलियत जो सामने आई है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर एक और दरिंदगी हुई है, एक नाबालिग के साथ रेप किया गया और आपत्तिजनक हालत में सड़कों में मिली है। देखिए, वेस्ट बंगाल में सरकारी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई देने की बजाय अनेकों बार उनके साथ खड़ी आती है, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। तो आपको लगता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उनसे नहीं संभल पा रहा है बंगाल? ममता बनर्जी में अगर जरा भी इंसानियत है, उनको खुद अपनी सरकार का त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो फेल हो चुकी है। अंबाला का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना है, हमने जो विकास किया है
हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से लेकर किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं करवाया और उसका हमें भरपूर समर्थन मिला। और क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेके चुनाव लड़े जाएंगे? वैसे तो आपका चुनाव पब्लिक लड़ती है, कौन से मुद्दे ऐसे रह गए जिसको लेके आप चुनाव लड़े? हमारा तो एक ही मुद्दा होता है, काम किया है काम करेंगे।